राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने और अपनी सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी की अजमेर रैली के साथ चुनावी शंखानंद कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में हुए जश्न की राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा है। लेकिन इन सब के साथ एक चर्चा यह भी की जा रही है कि आखिर वसुंधरा राजे ने अजमेर में हुए भाजपा के इस मेगा इवेंट में अपनी बात क्यों नहीं रखी। कार्यक्रम में भाजपा के सभी नेता पहुंचे थे, जहां मंच पर इन दिग्गज नेताओं ने अपने संबोधन में गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र की उपलब्धियां भी गिनाई। लेकिन प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जनता से संवाद नहीं हो सका, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि अजमेर कार्यक्रम को लेकर भाजपा के सभी नेता एक दिन पहले यहां पहुंच गए थे, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल थी। लेकिन कार्यक्रम वाले दिन राजे पीएम मोदी के आगमन से लगभग 5 मिनट पहले ही मंच पर पहुंची थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि समय की कमी के चलते पूर्व सीएम का संबोधन नहीं हो पाया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा की जा रही है कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद पूर्व सीएम का संबोधन हो सकता था, लेकिन पार्टी के नेताओं ने इग्नोर किया है। सियासी गलियारों में ये चर्चा की जा रही है कि अजमेर में पीएम मोदी के हुए कार्यक्रम में गुटबाजी हावी थी। वसुंधरा राजे का कार्यक्रम में लेट पहुंचना और उनके संबोधन का ना होना भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इन सभी पहलुओं के भाजपा के अजमेर कार्यक्रम के पोस्टर में वसुंधरा राजे को जगह दी गई है। ऐसे में साफ है कि राजे आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से बड़ा चेहरा होंगी, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी फिलहाल इस पर संशय है। लोकवार्ता न्यूज जयपुर।